हेलो दोस्तों, आज सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लॉग पर स्वागत है। हम यहां पर सितंबर के लास्ट वीक के करंट अफेयर के साथ फिर से हाजिर हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। विच स्टेट टॉप द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? कौन सा राज्य आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई रैंकिंग लिविंग इंडेक्स के आसानी के में शीर्ष स्थान पर रहा है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एक महत्वपूर्ण पहल है जिससे अलग अलग शहरों में को राष्ट्रीयकृत और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर खुद को आंकने का मौका मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें 111 शहर शामिल किए गए थे और इस सूची में शहरों में प्रथम स्थान पुणे को मिला है और राज्यों में आंध्र प्रदेश को। मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और यहाँ के CM एन चंद्रबाबू जी हैं और यहाँ के गवर्नर ESL नरसिम्हन हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ बीन अपॉइंटेड गुडविल एम्बेसडर ऑफ नेपाल टूरिज्म? किस भारतीय व्यक्तित्व को नेपाल पर्यटन के सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा जयाप परदा, ऑप्शन ए। पूर्व सांसद एवं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जया परदा को पर्यटन के लिए सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा करने से नेपाल और भारत के सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। मैं आपको यहाँ पर जया परदा की फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ अपॉइंटेड एन ऑर्डिनेंस दैट सीक्स टू सेट अप ए बोर्ड ऑफ एलिमेंट पर्सनैलिटी टू रन विच मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जो कि चिकित्सा संगठन चलाने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक बोर्ड स्थापित करना चाहता है। दोस्तों, इसका आंसर होगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के साथ बदलने के लिए संसद में एक बिल पारित होने की भारतीय चिकित्सा परिषद चलाने के लिए एक समिति स्थापित करने के लिए एक अध्यादेश पर हस्ताक्षरित किए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 1933 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर विल बी द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हेल्ड? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों, इसका आंसर होगा लखनऊ, ऑप्शन डी। दोस्तों, 20 जनवरी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार फेस्टिवल लखनऊ में आयोजित होने वाला है और मैं आपको बता दूं कि इसका थर्ड एडिशन 13 से 16 अक्टूबर 2017 के बीच चेन्नई में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट इंडिया हैज लिफ्टेड द बैन ऑन एंट्री ऑफ वुमेन ऑफ ऑल एजेस इनटू विच टेंपल? सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने सभी उम्र की महिलाओं के किस मंदिर के प्रवेश से प्रतिबंध हटा लिया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा साबरमिला टेंपल, ऑप्शन सी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला अरियप्पा मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर इससे पहले 10 से 50 साल की महिलाओं के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं थी। हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। वट वॉज द इंडियाज रैंक इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2018? मानव पूंजी सूचकांक 2018 में भारत का रैंक क्या था? दोस्तों, इसका आंसर होगा 158 रैंक, 158, ऑप्शन ए। मानविक पूंजी सूचकांक आर्थिक विकास के लिए प्रतिभा को पोषित, विकसित और तैनात करने की देशों की क्षमता को मापता है। मैं आपको बता दूं कि इसमें 195 देशों ने हिस्सा लिया है और इस बार फिनलैंड टॉप नंबर रैंक पर रहा है। मैं आपको बता दूं कि फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी की है, यहाँ की करेंसी यूरो है और यहाँ के प्रेसिडेंट सोली निंत्सो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ फॉर ट्रैफिक जंक्शंस? हाल ही में किस वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण ने केंद्र सरकार द्वारा यातायात जंक्शनों के लिए लॉन्च किया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वायु। मैं आपको यहाँ पर वायु की फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ, विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफायर यूनिट। यह डिवाइस राजधानी में ITO और मुकरबा चौक में यातायात जंक्शनों पर लगाया जाएगा जिसमें लगभग 500 मीटर स्क्वेयर की हवा को शुद्ध करने की सहायता मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि ये डिवाइस स्वदेशी है और
दिन भर में 10 घंटों तक चलाने पर इसमें बिजली केवल आधे यूनिट की खपत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द पराक्रम प्रो इन जोधपुर टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द सर्जिकल स्ट्राइक। व्हेन डिड द इंडियन आर्मी कैरीड आउट द सर्जिकल स्ट्राइक इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में सर्जिकल हमलों की सालगिरह को चिन्हित करने के लिए जोधपुर में पराक्रम पर्व का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल हमले कब किए थे? दोस्तों इसका आंसर होगा सितंबर 29, 2016, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जानते होंगे कि भारतीय सेना ने 29 सितंबर 2016 को पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसी की दूसरी वर्षगांठ 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक डे मनाया जा रहा है। इससे एक दिन पहले इंडियन आर्मी की ओर से दिल्ली में इंडिया गेट के पास राजपथ पर पराक्रम पर्व की शुरुआत हुई थी। ये हम आगे बढ़ते हैं। द नेल्सन मंडेला डिकेड्स ऑफ पीस डिक्लेयर्ड बाय द यूनियन नेशन रिसेंटली इज। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित नेल्सन मंडेला का दशक है। दोस्तों इसका आंसर होगा 2019 से 2028 तक, ऑप्शन ए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को ख़त्म करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाकर दुनिया में अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध की प्रतीक बन चुके नेल्सन मंडेला ने न सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप के बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी स्वतंत्रता की भावना को उत्प्रेरित किया था। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इनको 1993 में शांति पुरस्कार दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और भारत रत्न इनको 1990 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस इंद्र यात्रा फेस्टिवल 2018 हैज स्टार्टेड इन विच कंट्री। प्रसिद्ध इंद्र यात्रा उत्सव 2018 किस देश में शुरू हुआ है? दोस्तों इसका आंसर होगा नेपाल में। इंद्र यात्रा को नेपाल में एक विशेष त्यौहार माना जाता है। यहाँ पर इंद्र स्वर्ग की बारिश हिंदू दिव्य शक्ति का नाम है और यात्रा परेड का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली जी हैं और यहाँ की करेंसी रुपीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज़ डेवलप्ड ए कम्युनिटी सपोर्टेड सप्लाई ऑफ प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन बंगाल डिस्ट्रिक्ट। IIT ने बंगाल के किस राज्य में बंगाल के किस जिले में शुद्ध पेयजल परियोजना की एक समुदाय समर्थित आपूर्ति विकसित की है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT खड़गपुर ने। IIT खड़गपुर के ग्रामीण विकास केंद्र के डॉक्टर सोमनाथ घोषाल ने पूरी तरह स्वचालित पेयजल सुविधा केंद्र स्थापित किया है। यहाँ पानी की शुद्धता को पराबैंगनी किरणों से कई चरणों में फिल्टर करके पानी को पीने योग्य बनाया जा रहा है। केंद्र के जरिए 60 परिवारों को रोज़ाना करीब 1000 लीटर शुद्ध पेयजल मात्र 1 रुपये की लागत से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ जस्टिस अमिताव राव कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित न्यायमूर्ति अमिताव राव समिति का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रिजन्स रिफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अमित राव, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो देश भर में जेल सुधारों की सभी पहलुओं की देखरेख करेगा और उनके लिए उपायों का सुझाव भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड अरब अमीरात एंड रेड क्रॉस हैव रिसेंटली साइंड द पैक्ट टू सपोर्ट ह्यूमैनिटेरियन इफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। संयुक्त अरब अमीरात और रेड क्रॉस ने हाल ही में निम्नलिखित देशों में मानवीय प्रयासों का समर्थन करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि यमन में भी, म्यांमार में भी और कोंगो में भी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो। संयुक्त अरब अमीरात ने यमन, म्यांमार और कोंगो गणराज्य में मानवीय प्रतिक्रिया योजना को समर्थन देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ यमन में स्वास्थ्य केंद्र, जल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का समर्थन करने के लिए $6 मिलियन और म्यांमार और कोंगो में मानवतावादी प्रयत्नों को समर्थन देने के लिए $1 मिलियन का प्रावधान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज होस्ट टू द इंटरफेथ अलायंस फॉर्म 2018। इंटरफेथ अलायंस 2018
2018 के लिए कौन सा देश मेज़बान है? दोस्तों इसका आंसर होगा यूएई। यहाँ पर आपको बता दूँ कि यूएई की राजधानी अबू धाबी है, यहाँ की करेंसी दिरहम है और यहाँ के प्रिंस खलीफा बिन जायद अल नहयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द यूएनस हाईएस्ट एनवायरनमेंट ऑनर चैम्पियंस ऑफ द अर्थ 2018? संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान पृथ्वी चैम्पियंस 2018 के साथ किस भारतीय व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें पीएम मोदी के साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति को भी इस अवार्ड से नवाजा गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी को अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के संबंध में उनके प्रयासों और पर्यावरण कार्रवाई पर सहयोग के लिए नीति नेतृत्व श्रेणी के तहत यह अवार्ड मिला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ की करेंसी यूरो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड रोबोटिक रोवर्स ऑन एन एस्टेरॉइड्स रेगू? एक सुदूर ग्रह रेगू पर रोबोटिक रोवर सफलतापूर्वक की भूमि का हमला निम्नलिखित देश में से कौन सा देश है? दोस्तों इसका आंसर होगा जापान। 25 सितंबर 2018 को जापान सुदूर ग्रहों पर दो रोबोटिक रोवर्स उतारकर इतिहास रचने वाला पहला देश बन गया है। मैं आपको बता दूं कि इसकी राजधानी टोक्यो है, यहाँ की करेंसी येन है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 हैज़ रिसेंटली हेल्ड इन विच सिटी? स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा जयपुर में, ऑप्शन बी। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 26 से 28 सितंबर 2018 तक एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया है और इस मौके पर प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर श्री हियू वानली एसी आदि शामिल हुए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट सिटी एक्सपो का उद्देश्य यह होता है कि हर व्यक्ति को शहर में बिजली, पानी और सुगम यातायात शामिल हों। मैं आपको बता दूं कि इसमें फर्स्ट प्राइज भुवनेश्वर और इंदौर शहर को मिला है और यहाँ जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ मेड अलायंस विद विच कंट्री टू एलिमिनेट टीबी? भारत ने टीबी को ख़त्म करने के लिए किस देश के साथ गठबंधन बनाया है? दोस्तों इसका आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन सी। अमेरिका विकास एजेंसी USAID के प्रशासक मार्क ग्रीन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में USAID इंडिया एंड टीबी अलायंस के गठन की घोषणा की है। हम आपको बता दें कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी 2025 तक टीबी मुक्त भारत को हासिल करने के लिए महत्वाकांक्षी लेकिन दृढ़ प्रतिबद्धता बनाई हुई है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, यहां की करेंसी डॉलर है और यहां के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ आधार एक्ट हैज़ बीन स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट परमिट प्राइवेट एंटिटीज टू अवेल आधार डाटा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधार अधिनियम का कौन सा वर्ग समाप्त किया गया है जो निजी संस्थाओं को आधार डेटा का लाभ उठाने की अनुमति देता है? दोस्तों इसका आंसर होगा सेक्शन 57, ऑप्शन बी। आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आधार की कानूनी मान्यता बरकरार तो रखी है लेकिन आधार एक्ट के कई प्रावधानों में बदलाव किए हैं। अब धारा 57 के अनुसार सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि कॉरपोरेट या फिर किसी व्यक्ति को आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड मांगने का अधिकार नहीं रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड ग्लोबल री इन्वेंट इंडिया ISA पार्टनरशिप 2018 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री इन विच सिटी सॉरी द दूसरा वैश्विक रीनिवेश भारत ISA भागीदारी 2018 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर होगा दिल्ली NCR में, ऑप्शन बी। दिल्ली NCR में 2 से 5 अक्टूबर 2018 को पहली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का आयोजित होगी।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आई बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप हमारी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। ज़्यादा अपडेट्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। हम आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ट्रांजैक्शन एडवाइज़र टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय को लेन देन सलाहकार के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, SBI कैप्स। पहली बार रक्षा मंत्रालय ने SBI कैप्स को एक लेन देन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि रणनीतिक साझेदारों की चयन प्रक्रिया में लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए सलाहकार के रूप में कार्य किया जा सके। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि SBI कैप्स के चेयरमैन रजनीश कुमार जी हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2018 वर्ल्ड टूरिज्म डे WTD 2018 विश्व पर्यटन दिवस का विषय क्या है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टूरिज्म एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है और UNWTO के महासचिव जुराब पोलोलिका विली ने कहा कि नवाचार और डिजिटल प्रगति को मजबूत करना व्यापक टिकाऊ एजेंडा के भीतर अन्य उद्देश्यों के साथ समावेश, स्थानीय समुदाय एवं सशक्तिकरण और कुशल संसाधन प्रबंधन के सुधार में अवसरों का पर्यटन प्रदान करता है। मैं आपको बता दूं कि UNWTO का हेडक्वार्टर मड्रिड स्पेन में है और इसके हेड, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कि जुराब पोलोलिका विसीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट उन्नति इज रिलेटेड टू, परियोजना उन्नति से संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर होगा डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट एंड ओनली SAARC कंट्री टू हैव क्विट लाइन नंबर ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, तंबाकू उत्पादकों पर क्विट लाइन छोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहला और एकमात्र SAARC देश बन गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा इंडिया। मैं आपको बता दूं कि SAARC का मतलब यहाँ पर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है और SAARC समूह देशों में से भारत पहला देश बन गया है जिसने तंबाकू उत्पादकों की संख्या में कमी करने की ठानी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही 85% पिक्चर्स स्वास्थ्य चेतावनी बनाई हुई है। यहाँ पर भारत एशिया महाद्वीप में थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। मैं आपको बता दूँ कि SAARC 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में स्थापित हुआ था और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों ये आज का हमारे आखिरी क्वेश्चन होगा, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू अडल्ट्री, व्यभिचार से कौन सा लेख संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर होगा आर्टिकल 497, धारा 497। सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा है कि अडल्ट्री तलाक का आधार हो सकता है लेकिन अपराध का नहीं। दोस्तों ये थे हमारी तरफ से इस वीक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।